हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो इंडिया का जो स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के लिए वो अनाउंस हो चुका है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि रोहित शर्मा इस टीम में शामिल नहीं है, और कौन इस टीम में शामिल है और किसको मौका नहीं मिला, जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात यह निकल कर आएगी, रोहित शर्मा को अनफिट करार दिया गया और उनको फिट नहीं कहा गया साउथ अफ्रीका दौरे के लिए। और जो इंडिया के कप्तान हैं ओडीआई में, वो केएल राहुल रहेंगे और वाइस कैप्टन रहेंगे जसप्रीत बुमराह। तो काफ़ी बड़ी प्राइड की बात है, बुमराह को मौका मिला यहाँ वाइस कैप्टन बनने का और कैप्टन बनने का केएल राहुल को। तो यहाँ पर किस खिलाड़ी को मौका मिला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जडेजा और अक्षर पटेल इस टीम में नहीं है, जो कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। और इसके अलावा आपको बताऊं, केएल राहुल कैप्टन और आपको शिखर धवन दिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी टाइम बाद टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बहुत बड़ी सेंसेशन है, इनको आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं। देन विराट कोहली टीम में है, बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, एंड उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे, वेंकटेश अय्यर दिखेंगे, फिर आपको ऋषभ पंत विकेट कीपर और ईशान किशन सेकंड विकेट कीपर हैं। देन उसके बाद आपको यजुवेंद्र चहल भी ओडीआई टीम में वापस आ रहे हैं और रविचंद्रन अश्विन सुंदर साथ में हैं। तो यहाँ पर सोच कैसी है ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अश्विन और सुंदर एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो कि वाइस कैप्टन है, भुवनेश्वर कुमार कमान संभालेंगे और दीपक चहर भी हैं, बहुत ही अच्छी चॉइस हैं ये फास्ट बॉलर में। और इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और सिराज, बहुत ही ज़बरदस्त पावर पैकेज टीम भारतीय टीम लगी है। और यहाँ पर अभी कुलदीप यादव को भी शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको पता आपको रणजी में मैचेस हैं और रणजी में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, देन वो इंडियन टीम में अपने आप को इंक्लूड करा पाएंगे। इंडियन टीम बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट्स है यहाँ पर टीम इंडिया के। और रोहित शर्मा के बारे में चेतन शर्मा सर ने बताया कि वो फिट नहीं है, और आज रात को ये भी कुछ टाइम पहले ही टीम इंडिया अनाउंस हुई है। और काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और लंबा फॉर्मेट है ये भी, यहाँ पर अपने प्रूफ करने के लिए साउथ अफ्रीका में। क्या इंडिया दोबारा से ओडीआई सीरीज जीत पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। और इंडिया की जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें आप बताइए आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दिखता है, किस खिलाड़ी को और मौका यहाँ पर मिलना चाहिए था, किस खिलाड़ी को मिस किया, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के साथ।